कौशाम्बी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौराहों पर रविवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। विरोध के दौरान कई व्यापारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई से नगर के व्यापारियों में हड़कंप का माहौल है। आलम यह था कि बुलडोजर को देख कई व्यापारी ताला बंद कर दुकान के सामने परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं सत्ता दल के विधायक संजय गुप्ता के मौके पर पहुंचने पर प्रशासन के तेवर नरम पड़ गए। विधायक ने प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। विधायक संजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एसडीएम मंजनपुर और नगर पंचायत के ईओ ने सिर्फ इसलिए दुकानों पर बुलडोजर चलाया कि दुकानदार उन्हें फ्री में मिठाइयां नहीं देते हैं। ये गंभीर विषय है और इस पर जाँच की जानी चाहिए। इनके यहां जब लोग मिलने गए तो एसडीएम ने बेइज्जती के साथ उन लोगों को भगा दिया और आज पूरी फोर्स लेके गिराने पहुंच गए। मैं सभी मीडिया के लोगों से बताना चाहता हूं कि ये एसडीएम और ईओ ने व्यक्तिगत खुन्नस के चलते, क्योंकि फ्री में उनको मिठाई चाहिए, उनको घर में वहां से गुंडा टैक्स चाहिए, और इस कारण से नाजायज तरीके से नियमों के विरुद्ध कल ही निरस्त हुआ और आज गिराने की कार्रवाई किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पूरी रिपोर्ट से अवगत करा के ऐसे इनलीगल कार्रवाई के विरुद्ध जो दोषी अफसर हैं उनके विरुद्ध मैं कार्रवाई कराऊंगा, जांच कराऊंगा। कहा था कि अगर जलमग्न भूमि है, कुछ उसमें जो है निर्माण हुए हैं उनको गिराने की कार्रवाई चल रही थी। अगले की ऑब्जेक्शन आया है कि इसमें कुछ रिकॉर्ड की ऐसी थी, मैंने डीएम साहब ने मुझको भेजा है, मैं रिकॉर्ड ले लिया हूँ और उसका परीक्षण करके फिर आगे की कार्रवाई। संवाद 360 के लिए कौशाम्बी से नितिन अग्रहर की रिपोर्ट।